हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो सारे जने? तो पीछे का व्यू देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं फिर से शिमला आई हुई हूँ, और कुछ ज़रूरी काम था तो मैं भी विकास जी के साथ आ गई। और ये हम रास्ते में रुके हैं, एक ढाबा है छोटा सा, और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मोस्टली यहीं रुकते हैं हम शिमला आते हुए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ब्रेकफास्ट मिलता है, और ढाबे का तो आपको पता ही है टेस्ट कितना अच्छा होता है। और विकास जी जो हैं वो बैठे हैं, मैं दिखाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये विकास जी बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैंने खा लिया है अपना ब्रेकफास्ट, और साथ में आज हमारे बिल्कुल भी है। और ये देखिए, आज शिमला में बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, और जूस भी मैंने पी लिया है सुबह सुबह ऑरेंज का। ये देखिए, ये ढाबा है, कभी आप लोग शिमला हो तो यहाँ पर ज़रूर रुक के ब्रेकफास्ट करना। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बेशक अच्छा मिलता है, पर ढाबे का अपना ही टेस्ट होता है। ये देखिए, यहाँ की पहाड़ियाँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस और ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो वही बात मैं जो सब वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करके बताया करो कि मुझे आपको मेरी वीडियोस में और क्या क्या देखना चाहते हो, ताकि मुझे भी अपनी पता चले कि मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ। अगर कुछ नहीं अच्छा लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ शिमला का, देखिए आज कितना अच्छा स्काई है, थोड़े थोड़े से बादल है पर फिर भी अच्छी धूप है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है अभी तक। प्यार करते आज है ट्यूसडे का दिन, और मैं आई थी विकास जी के साथ जाखू मंदिर के दर्शन करने। तो मैंने कहा चलो मैं आप सबको भी यहाँ मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। और बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर, और हमारी कोशिश होती है कि हर ट्यूसडे हम यहाँ दर्शन करने आए, क्योंकि हनुमान जी ने हम पे अपनी बहुत कृपा करी है। और मैं आप सबके लिए भी हाथ जोड़ूंगी कि आप सबकी भी विशेष पूरी हो, जब भी कभी शिमला हो तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना। और हनुमान जी से हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना वायरस को जल्दी जल्दी ख़त्म करें हनुमान जी, ताकि सबकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो। और इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अब आपको विकास जी थोड़ा कुछ और डिटेल में बताएंगे। प्लीज़ विकास जी आइए, और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है। हेलो, जय श्री राम। ये है विकास जी, कैसे हैं बताइए। मंदिर बहुत पुराना है, कई सदियों पुराना मंदिर है, और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ बनी है, एक नंदा परिवार ने बनाई है। 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। और कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे यहाँ पे, तो उनका एक पांव से उन्होंने विश्राम किया था, जिससे ये विशाल पर्वत कोई 1.5 से 2 फुट नीचे बैठ गया था। तो बहुत मानता है इस मंदिर की, हम आपसे ही प्रार्थना करेंगे आप सब आए। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। तो विकास जी ने आपको बताया मंदिर के बारे में, अब आप मेरे साथ साथ आओ और मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के यहाँ के दर्शन करवाऊंगी। तो आइए, ये मेन हमने स्टार्ट कर दिया है मंदिर चढ़ना, और ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं मंदिर की, ये मेन गेट है, और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ मंदिर का। आप लोग कभी शिमला हो तो ज़रूर यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि ज़रूर दर्शन करने आना हनुमान जी के, और विश्वास से आओगे तो आपकी सारी विशेज हनुमान जी पूरी करेंगे। विश्वास है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, आज बड़ा अच्छा वेदर है शिमला का, हल्की हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो चढ़ते जाए चढ़ाई, और हनुमान जी का नाम लेते रहे, और हनुमान जी की कृपा से यहाँ। वैसे हम हर साल जो है वो लंगर भी करवाते थे, इस साल वो भी नहीं हुआ कोरोना की वजह से। रामनवमी के दिन काफ़ी सालों से हम यहाँ पर हनुमान जी के नाम का भंडारा लगाते हैं, और बहुत कृपा है उनकी हम पे, ऐसे ही वो हमारे पे, सब पे, आप सब पे
कृपा बना के रखें। तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं इसलिए मुझे सांस चढ़ रहा है। ये देखिए, अगर आपने बाया माल रोड आना हो तो ये रास्ता है, बाया गाड़ी या आपने उससे आओ तो वो दूसरा रोड है, बाय वॉक आना हो तो इस रास्ते से आप आ सकते हैं। सांस चढ़ गया मुझे बोलते बोलते क्योंकि थोड़ा यहाँ पे काफ़ी हाइट पे है मंदिर। यहाँ शिमला में जितने भी मंदिर हैं माता रानी के, ये सब ऊपर चढ़ के पहाड़ों पे बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा ऊपर से देखने को मिलता है। ये देखिए शिमला का व्यू, बहुत ही सुंदर। ये है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, ये देखिए। सब आ जाओ, मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ हनुमान जी की। और ये एशिया की सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है ये हनुमान जी की, जो कि यहाँ पे स्थापित हुई है। और जब बाय रोड आप शिमला आते हो तो दूर से ही इनके दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम पहुँच गए हैं ऊपर मेन मंदिर की तरफ। और आइए आप चढ़ते जाए चढ़ाई मेरे साथ साथ। ये देखिए ऊपर से अब मैं आपको सारे दर्शन करा रही हूँ। हाँ जी, हिमाचली कैप लो जी, हिमाचली कैप सरफेस टेप हिमाचली कैप। ये देखिए मंदिर, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आके। ये देखिए कितने टूरिस्ट। ये देखिए ऊपर हम पहुँच गए हैं, अब काफ़ी लोग आए हुए हैं। आज ट्यूसडे है, हनुमान जी का दिन है और सब दर्शन करने पहुँचे हुए हैं। और इस मंदिर में ये है कि आपको यहाँ पे मंकीज़ बहुत मिलते हैं, पर वो कहते हैं किसी को कुछ नहीं है, बस उनको प्रसाद चाहिए होता है और आपकी स्पेक्स वगैरह उतार के ले जाते हैं और फिर उनको प्रसाद दो तो वो आपकी स्पेक्स या पर्स या चुन्नी वगैरह जो भी लेके जाते हैं छोड़ देते हैं। ये देखिए अंदर तो हम जा नहीं सकते, बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन करेंगे। ये यहाँ का ऑफिस है, ये है ऊपर जाखू का मेन मंदिर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बस अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही हम लोग दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इतनी सुंदर जगह है, ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। यहाँ और ये यहाँ पर भंडारा लगता है हनुमान जी का, एवरी संडे लगता है। और बाकी जब आपकी श्रद्धा आप जब कराना चाहो। काफ़ी हाइट पे हम लोग हैं, मंदिर ये काफ़ी हाइट पे है। दर्शन कर लीजिए आप सब भी। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, जाएंगे दर्शन करने। और यहाँ मुझे लगता है कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ ये सब। देखिए यहाँ की पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस, ये ड्रेस डालकर आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। देखिए यहाँ पर कई टूरिस्ट ने इस तरह से करवाई है, बहुत ही सुंदर ड्रेस होती है ये। मैक्सिमम टूरिस्ट जो हैं वो ये फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक करा के जाते हैं। देखिए पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस। देखिए ये साइड पे एक छोटा सा और मंदिर बना है हनुमान जी का ही। और यहाँ पर हम लोग ये ग्राउंड में रामनवमी वाले दिन हमारे यहाँ पर कीर्तन चलता है, हनुमान जी की चौकी हम यहाँ लगवाते हैं। ये है मंदिर की बैक साइड, यहाँ से भी मूर्ति दिख रही है। ये है बैक साइड सारी मंदिर की। और उधर जो है वो हनुमान जी की पादुकाएं रखी गई हैं, उनके पद चिन्ह वहाँ पर स्थापित हैं। और जो यहाँ मंदिर में अंदर मेन मूर्ति है वो स्वयं जो है वो निकली हुई है अंदर जो है। अब मैं आपको मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकूँगी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अलाउड नहीं है।
और ये देखिए, ये देखिए, ये एक पार्क बना हुआ है यहाँ पे, और ये ग्राउंड है जहाँ पर कि दशहरा मनाया जाता है। जाखू में जब दशहरा होता है तो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए बस हनुमान जी के, और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि जल्दी ही अंदर आने की इजाज़त मिले और हम अंदर जाके हनुमान जी की अच्छी तरह से दर्शन कर सके, ना तो भी प्रसाद चढ़ता है। बस अभी यहाँ पे ऐसा ही है, बाहर से दर्शन करके लौटना पड़ रहा है हमें भी। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ चरण पादुकाएँ रखी हैं हनुमान जी की, ये भी बाहर से ही दर्शन करने हैं। लॉक लगा हुआ है सब जगह। ये देखिए, तो ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी जाखू टेम्पल की। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हनुमान जी की। बाय बाय।